Hello student, good morning. Once again, welcome back in our online classes. Dear students, जो इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 4 में पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स में किस तरह रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में होता है या होम लिविंग थिंग्स में होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एनिमल्स लेइंग एग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे दे के क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे ना दे के सीधे क्या है, बच्चे को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। तो जो ये एनिमल्स है ना लेइंग एग्स में, मैंने आपको बताया था इसमें आपके सारे इंसेक्ट्स हो गए। इंसेक्ट्स में मैंने आपको जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल बताया था, आपको कॉकरोच का लाइफ साइकिल बताया था, फिर बर्ड्स बताया था, ठीक है, फिर रेप्टाइल्स पढ़ाया था, इसमें आपका स्नेक्स हो गया, लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल बताया था, ठीक है। और आज मैं आपको जो ये है एनिमल्स प्लेइंग एग्स में जो आपके बारे आज में जो बताऊंगा उसमें है फ्रॉग। फ्रॉग भी क्या है, फ्रॉग जो होता है वो क्या है, लेइंग एग्स में अंडे देने के बाद उससे उसके बाद क्या करता हो, रिप्रोडक्शन करता है। देखिए जो फीमेल फ्रॉग होता है ले एक हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम इन वाटर। जो फीमेल फ्रॉग होता है वो एक समय में मैंने हंड्रेड से ज़्यादा क्या करता है, एग देता है, कहाँ, वाटर में। एग्स आर प्रोटेक्टेड बाई अ थिक जेली। वो जो उसके जो एग्स होते हैं, जो अंडा होता है वो प्रोटेक्टेड होता है एक थिक जेली में। देखिए व्हेन द एग्स हैज टाइनी टेटवर्स कम आउट, जब वो अंडा क्या है भरता है तो उससे क्या निकलता है, एक छोटे छोटे क्या निकलते हैं, टेटपोल बाहर आते हैं। द टेटपोल्स लुक्स लाइक अ लिटिल फिश। लेकिन जो ये टेटपोल होते हैं ये किसकी तरह दिखते हैं, फिश की तरह दिखते हैं। इट हैज अ लॉन्ग टेल। इन टेटपोल की क्या होती है, लंबी क्या होती है, पूछ होती है। इट स्विम्स इन वाटर। ये वाटर में क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। ग्रेजुअली द टेटपोल लॉसेस इट्स टेल एंड ग्रो लेस, है ना, जैसे जैसे टेटपोल का क्या है, पूछ क्या है, लॉसेस होती जाती है ना, उसके क्या आने लग जाते हैं, फिर लेग्स आने लगते हैं। द यंग फ्रॉग बिगिन टू लुक मोर लाइक इट्स पेरेंट्स नाउ। और धीरे धीरे वो टेटपोल किसकी तरह दिखने लगता है, जो उसका जो फ्रॉग क्या होता है, पेरेंट्स होता है, उसकी तरह दिखने लगता है। फाइनली इट ग्रोस इंटू एडल्ट फ्रॉग। धीरे धीरे वो क्या है, फिर एडल्ट फ्रॉग में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर फिश, फिश भी आपको पता है ये किस प्रकार रिप्रोडक्ट करता है, लेइंग एग के द्वारा। जो फिश होती है, अ फीमेल फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो फिश होती है एक समय में हजारों क्या करते हैं, अंडे देते हैं। एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक जेली। इसके जो अंडे होते हैं वो भी किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, थिक जेली की तरह। आउट ऑफ दीज ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ग्रो इनटू अ बेबी फिशेस। ये थाउजेंड्स अंडों में से कुछ ही मैं सैकड़े हैं जो क्या है, अंडों से क्या है, फिर क्या है, फिशेस ग्रो करती है। मैनी एग्स एंड बेबी फिशेस आर ईटन अप बाय द बिग फिशेस। इसमें से क्या है, अधिकतर जो अंडे होते हैं छोटे छोटे से क्या होते हैं, फिश के बच्चे होते हैं, उनको क्या है, जो बड़ी फिश है वो क्या कर लेती है, खा लेती। अब जो सेकेंड टाइप का रिप्रोडक्शन हो, एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सीधे क्या है, बच्चे को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। एनिमल्स डेट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। तो इस प्रकार के एनिमल्स को क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है। इसमें क्या है, ह्यूमन बींग्स, हम भी क्या है, मैमल्स में आते हैं। देखिए द यंग वन इज फॉर्म्ड इनसाइड द बेबी ऑफ द मदर। आपने देखा जो मैमल्स एनिमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो बेबी होता है वो कहाँ ग्रो करता है, इनसाइड द मदर, मतलब मदर के पेट के अंदर वो क्या करता है, ग्रो करता है। इट स्टेज इनसाइड द बेबी ऑफ सेवरल वीक्स अंटिल इट इज फुली डेवलप। तब तक वो क्या है, मदर्स के इनसाइड रहता है, अंदर पेट के अंदर रहता है, जब तक वो क्या है, फुली क्या है, डेवलप ना करे। देखिए
उसके आफ्टर जब बेबी बेबी बाहर आ जाता है उसके बाद जो क्या होते हैं उसकी मदर होती है, फीस द बेबी मैंने बच्चों का क्या करते हैं खाना खिलाती है, क्लीन देम उसको क्या करते हैं साफ करती है, एंड कीप देम वार्म और उस बेबी को क्या करते हैं फिर वार्म वार्म में गर्म रखती है, एंड सी प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनिमीज यहाँ तक कि वो क्या करती है उसकी सुरक्षा करती है अपने बेबी की, किससे जो एनिमी जो शत्रु है उनसे उसकी क्या करती है वो प्रोटेक्ट करती है। जिसे आपने देखा होगा जो टाइगर होता है उसके भी क्या होते हैं बेबी होते हैं, उसको क्या कहा जाता है कब कहा जाता है ना, गोरिल्ला होता है उसके बेबी को क्या कहा जाता है बेबी कहा जाता है, जेब्रा के बेबी को भी बेबी कहा जाता है, सिप का जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है लैम कहा जाता है, जो मदर का जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है बेबी, और जो कैट होता है उसके बेबी को क्या कहा जाता है किटन। इसी प्रकार जो कंगारू होता है उसके बेबी को क्या कहा जाता है जॉय कहा जाता है, लेकिन जो कंगारू होता है गिव बर्थ टू यंग वंस एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कंगारू छोटी सी स्टेज में क्या करता है जो बच्चे को क्या करता है जन्म देता है, बेबी कंगारूज जिसको हम क्या कहते हैं ज्वाइज कहते हैं स्टेज इन इट्स मदर पॉच, वो अपनी मम्मी के जो पॉच होता है ना वहाँ वो क्या करता है रहता है, वह इट ड्रिंक्स इट्स मदर मिल्क जहाँ वो क्या करता है अपनी मम्मी का क्या है मिल्क मैंने दूध क्या है पीता है, बैट इज द फ्लाइंग मैमल्स लेकिन जो बैट जो चमगादड़ होता है एक एक ऐसा मैमल्स है ओनली जो उड़ने वाला मैमल्स है जो क्या करता है अंडे नहीं देता है सीधे क्या करता है क्या करता है बर्थ टू इट्स यंग वंस सीधे क्या करता है अपने बच्चे को पैदा करता है, द मदर बेयर्स फीड्स इट्स बेबी फॉर 3 weeks जो मदर बेयर्स होते हैं वो अपने बेबी को क्या है 3 weeks तक क्या है अपने पेट के अंदर रखती है, तो ओनली जो बेयर्स होता है वो ऐसा मैमल्स होता है उड़ने वाला मैमल्स होता है जो क्या करता है अंडे नहीं देता है सीधे क्या करता है अपने पेट में क्या करता है बच्चे को क्या करता है फॉरवर्ड्स करता है, या जिसको हम बोलते हैं कि जो ये क्या होता है एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन सीधे क्या करते हैं बच्चे पैदा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपकी समझ में जो ये 4 टाइप के जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है 2 टाइप्स के ये आपके समझ में आया होगा, इससे रिलेटिव जो आपको PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाएगी। थैंक यू।